अस्सलामुअलैकुम। आज की जो हम लोगों की वीडियो का टॉपिक है वो आर्म फोर्स नर्सिंग सर्विस एज अ ट्रेन नर्स को हम कवर कर रहे हैं। AFNs ये ट्रेन नर्स जो हैं शॉर्ट सर्विस रेगुलर कमीशन के थ्रू इंडक्ट होती हैं पाकिस्तान आर्मी में, और पाकिस्तान आर्मी में इनको शॉर्ट सर्विस, ये जो कोर्स है ट्रेन नर्स का आर्म फोर्स नर्सिंग सर्विस में, ये रेगुलर बेसिस पे अनाउंस नहीं होता, ये सिर्फ रिक्वायरमेंट बेसिस पे अनाउंस होता है। और ये कोर्स काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं नर्सिस के लिए, जो नर्सिस जिन नर्सिस ने अपनी ये क्वालिफिकेशन की हुई है और पाकिस्तान आर्मी में सर्व करना चाहती हैं। तो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को क्वालिफिकेशन से लेके सिलेक्शन प्रोसेस स्टेप बाई स्टेप तक तमाम डिटेल मिल जाएगी। फर्दर मैंने AFNs का जो है BSc नर्सिंग और ट्रेंड नर्स का जो टेस्ट पैटर्न है वो सब एक ही होता है, सिवाय एकेडमिक का डिफरेंस होता है। इस ट्रेंड नर्स में सिर्फ बायोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं, FSc के बेसिस जो भी उन्होंने पढ़ा होता है FSc की बेसिक्स में वही क्वेश्चन होते हैं 50, जबकि BSc नर्सिंग में FSc कंप्लीट होती है, मीन टू से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के इंक्लूड होते हैं उसमें, बस यही डिफरेंस है। लेकिन आप वो एक दफ़ा पैटर्न वाली वीडियो एक्सप्लेन की हुई है वो लाजमी देख लें अगर आप लोगों ने अपना ट्रेंड नर्स में अप्लाई करना है। तो इस वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो AFN में हम लोगों की ये यहाँ गलती से BSc नर्सिंग लिखा हुआ है, ये BSc नर्सिंग नहीं, ये ट्रेंड नर्स के लिए क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन ट्रेंड नर्स के लिए 3 ईयर्स का डिप्लोमा हो और 1 ईयर की मिडवाइफरी हो, या उन्होंने BSc जेनरिक नर्सिंग की हो, या उन्होंने पोस्ट BSc नर्सिंग की हुई हो तो वो एलिजिबल है। मीन टू से अगर उन्होंने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है और 1 साल की मिडवाइफरी का कोर्स है तो वो एलिजिबल हैं, या उन्होंने अगर BSc जेनरिक नर्सिंग की है या उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है BSc नर्सिंग में तो वो एलिजिबल हैं। एज लिमिट 18 से 28 साल, नो रिलैक्सेशन, हाइट 5 फीट रिक्वायरमेंट है, नो रिलैक्सेशन, हाइट मस्ट बी 5 फीट, वेट अकॉर्डिंग टू BMI 17 से 23 के दरमियान होना चाहिए। उसके बाद मार्शल स्टेटस शादीशुदा या गैर शादीशुदा, मैरिड अनमैरिड दोनों हो सकती हैं। ट्रेनिंग पीरियड उनका 4 वीक्स का होता है, BMT उनकी होती है सिर्फ बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग, BMT से मुराद 4 वीक्स की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग उन्हें दी जाएगी AFP GMI पिंडी और CMH खारिया में। कंप्लीट सक्सेसफुल अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद उन लोगों को आर्म फोर्स नर्सिंग सर्विस में लेफ्टिनेंट का ऑनररी रैंक दे दिया जाएगा। अब बॉन्ड की बात कर लें तो जो सिलेक्टेड गर्ल्स होंगी उनको 5 साल का जो होगा वो बॉन्ड सर्व करना साइन करना होगा, एटलीस्ट वो 5 ईयर जो है वो पाकिस्तान आर्मी में सर्व करेंगी आर्म फोर्स नर्सिंग सर्विस में। उसके बाद ऑटोमेटिकली इनका ये बॉन्ड जो है परमानेंट रेगुलर कमीशन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो नथिंग टू वरी, बॉन्ड की आप फिक्र ना किया करें और ये पॉइंट को नज़रअंदाज कर दें। ये बस आप लोगों को मिनिमम आप लोगों को बताया गया कि इतने साल आपने सर्व लाजमी करना है। अब सिलेक्शन प्रोसेस की स्टेप बाय स्टेप बात कर लें तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि AFNs का जो कोर्स है वो सिर्फ एक बार ही अनाउंस होता है साल में, जुलाई अगस्त में। सो ट्रेन नर्स भी इसी कोर्स के अंदर अनाउंस होती है अगर जब उनको रिक्वायर्ड हो, अगर ना रिक्वायर्ड हो तो ट्रेन नर्स का जो कोर्स है वो अनाउंस नहीं होता। अब सेकेंड में आप लोगों को अपना joinpakistanarmy.government.pk पे अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है। आफ्टर 7 से 8 दिन या मैक्सिमम 3 से 4 दिन तक आप लोगों का स्टेटस जो है वो पेंडिंग जो होता है वो अप्रूव्ड हो जाता है और आप लोगों को डेट मिल जाती है। अब आपने उस डेट को अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ लेके सेंटर पहुंचना है। सेंटर पहुंचेंगे, वहां आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, आपको 300 रुपया सबमिट करवाना होगा प्रॉस्पेक्टस वगैरह के लिए, और उसके बाद आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स पे स्टैंप लग जाएगी वेरिफिकेशन की। उसके बाद आप लोगों को वेट करना होगा, वेट करने के बाद आप लोगों को 1 बाय 1 IT हॉल में भेज दिया जाएगा। अब IT हॉल में आप लोगों का जो है ब्रीफिंग होगी, आप लोगों को बताया जाएगा कि कौन कौन से टेस्ट होने हैं, क्या होना है, सब कुछ एक्सप्लेन करेगा वो जो ऑफिसर जो है भी उन्होंने IT हॉल में खड़ा होगा। उसके बाद स्टेप 6 में ऑनलाइन कंप्यूटराइज टेस्ट होते हैं। मैं ये आप लोगों को बता दूं कि इसके 3 पोर्शन होंगे। फर्स्ट पोर्शन इंटेलिजेंस टेस्ट का होगा जो वर्बल और नॉन वर्बल पे कंप्राइज होगा। वर्बल क्वेश्चन के लिए 84 क्वेश्चन होंगे और टाइम 30 मिनट्स होगा। सेम नॉन वर्बल के लिए 64 क्वेश्चन होंगे, टाइम 30 मिनट्स होगा। इस पोर्शन को क्लियर करेंगे तो ही एकेडमिक ओपन होगा। इसके बाद अगर आप फेल करेंगे तो आप वापस घर जाएंगी। एकेडमिक पोर्शन 50 क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट आप लोगों का जो है सिर्फ बायोलॉजी से ही MCQs आएंगे, 50 जो भी बेसिक से होंगे FSC बेस्ड होंगे तो आप लोग वो प्रिपेयर करें। उसके बाद आप लोगों के 150 क्वेश्चन पर्सनैलिटी टेस्ट के आएंगे, 30 to 35 मिनट्स। अगर एकेडमिक पास हुआ तो
पर्सनैलिटी टेस्ट ओपन होगा, अगर एकेडमिक फेल हुआ तो आपका सफ़र यहीं ख़त्म। पर्सनैलिटी टेस्ट के बाद इसका आपका जो है ये टेस्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों का इनिशियल मेडिकल होगा। इनिशियल मेडिकल सिंपल सा होता है, आप लोगों की हाइट, वेट, विजन जो होता है वो चेक किया जाता है। कुछ सेंटर पे जो होता है थोड़ा सा फ्लैट फुट, नॉक नीज और कैरिंग एंगल वगैरह भी देख लेते हैं, और आप लोगों के थोड़ा सा प्राइवेट पार्ट्स को भी चेक कर लेते हैं। लेकिन नॉर्मली जो है सिंपल सा मेडिकल कंडक्ट होता है, हाइट, वेट और विजन और बीएमआई चेक करके आप लोगों को पैफी 2028 फॉर्म मिल जाता है। अब इनिशियल मेडिकल क्लियर करने के बाद फॉर्म फिलिंग होगी, जो एक दिन बाद आपको सेंटर में सबमिट करवाना होगा। सेंटर में सबमिट करवाने के बाद आप लोगों को 30 से 40 दिन वेट करना होगा जीएचक्यू बोर्ड इंटरव्यू का। अब जीएचक्यू जो बोर्ड इंटरव्यू होगा उसमें आप लोगों ने जो वेट बोर्ड इंटरव्यू आपका अगर क्लियर हुआ तो आप लोगों को फाइनल मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा, क्योंकि शॉर्ट लिस्टेड गर्ल्स को बोर्ड इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो हमेशा याद रखेंगे आप लोगों की शॉर्ट लिस्टिंग होगी इनिशियल के बाद, उसके बाद ही अगर शॉर्ट लिस्टेड गर्ल्स को जीएचक्यू के लिए बुला लिया जाएगा पैनल इंटरव्यू के लिए। अब 15 से 30 मिनट का पैनल इंटरव्यू का जनरल सा होगा, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, वो आप लोग लाजमी देख लें जीएचक्यू पैनल इंटरव्यू पे। उसके बाद आपका जो गर्ल जो रिकमेंड हो जाएंगी पैनल से वो उनका फाइनल मेडिकल होगा, जो रिजेक्ट हो जाएंगी वो वापस घर जाएंगी। फाइनल मेडिकल एक डिटेल 7 से 10 दिन का प्रोसेस है, ईच एंड एवरी टेस्ट उसमें होता है। तो उसके लिए आप लोगों को रिलैक्स रहना है, कोई इस तरह सख्त टेस्ट नहीं है। जीएचक्यू फिर उसके बाद आप लोगों की मेरिट लिस्ट बनाएगा कि तमाम इनिशियल से फाइनल तक की परफॉर्मेंस पर सिलेक्टेड फीमेल जो हैं वो FPGMI पिंडी ट्रेनिंग के लिए ज्वाइनिंग देंगी। तो ये है ट्रेन नर्स का तमाम सब प्रोसीजर। फर्दर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी किसी किस्म की क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो में बस आप लोगों को एक गो थ्रू देना था, आप लोगों को पता हो कि ट्रेन नर्स का क्या क्या चीज़ें आना हो, मतलब क्या क्या चीज़ें आती हैं, और आप लोगों को एक आइडिया हो जाए और आप लोगों को अपनी टेस्ट की तैयारी अच्छे तरीके से करें। सो इस वीडियो में इतना ही, अब अगली वीडियो में आप लोगों को बहुत सी चीज़ें और भी कवर हो जाएंगी, तो वो आप वीडियो लाजमी देख लीजिएगा। और बाकी ये लिंक जो डिस्क्रिप्शन में गर्ल्स ग्रुप के मेंशन है उन्हें लाइक कर लें, फॉलो कर लें। फर्दर कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछें। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
हूँ।